हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपको गुलुडी में एक भव्य काली मंदिर बना है, महाकाली का मंदिर, वहाँ पे लेके आया हूँ। मैं आज उस मंदिर का आपको दर्शन करवाऊँगा, आप बने रहिए मेरे वीडियो में। और साथ ही मैं मनोज दे से भी मिलाऊँगा, जो आए थे इस मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में, उनको आमंत्रण किया गया था, वो भी आए थे। मैं आपको वो सारा चीज़ दिखाऊँगा। चलिए आपको ले चलते हैं वो गुलुडी के काली मंदिर में। ये देख सकते हैं आप कितना भव्य काली मंदिर का उद्घाटन हुआ था यहाँ पे 6 तारीख को। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, दर्शन करवाते हैं पूरे मंदिर का, बने रहे वीडियो में। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये मंदिर का उद्घाटन हुआ है। 3 मूर्तियां हैं आगे तरफ। सबसे बाईं ओर है राम कृष्ण परमहंस, बीच में है माँ काली और सबसे दाईं ओर है माँ शारदा देवी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हो सके तो आप एक बार अवश्य आइएगा इस मंदिर में। ये धनबाद जिले के एक छोटे से गांव गुलुडी पलानी के अंदर गुलुडी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये भव्य मंदिर बना है। यहाँ आने से मन प्रसन्न हो जाता है, एक बार अवश्य आइएगा आप लोग। आप लोगों को मैं इनवाइट कर इस मंदिर प्रतिष्ठा का कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। और साथ ही आपको दिखाऊंगा, मनोज देव ही यहाँ पे आए थे। चलिए वो सारे दृश्य मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, किस प्रकार से कितना भक्त आए थे। बहुत यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ था, एकदम बहुत भीड़। और आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से प्रतिष्ठा हुआ, कलश उठाया गया था यहाँ पे, नवनिर्मित जो काली मंदिर हुआ है उसके लिए प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। आप बने रहे वीडियो में, चलिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर का दृश्य हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, कितना भव्य और सुंदर मंदिर ये निर्माण हुआ है। देखिए किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वो जितने भी लोग आ रहे हैं, माथे में एक कलश है, वो सारे कलश यात्री हैं। वो नदी से पानी उठा के ला रहे हैं और फिर इस नए मंदिर में वो अर्पित करेंगे। ये नियम है, नए मंदिर जब बनता है, मंदिर प्रतिष्ठा होता है, तब माथे से कलश में पानी लाया जाता है और फिर से वो मंदिर में अर्पित किया जाता है। देखिए और मंदिर का डिज़ाइनिंग देखिए, ये जो राउंड बीट्स देख रहे हैं गुंबज के नीचे, वो महतोड़ काली मंदिर का डिज़ाइनिंग है। और जो गुंबज है आप देखिए, और ऊपर वाला पार्ट जो है, जो गुंबज है देखिए, वो तारापीठ का डिज़ाइनिंग है। वेस्ट बंगाल में माँ तारा का मंदिर है, उसी का डिज़ाइनिंग लिया गया है। मतलब दो डिज़ाइन को कॉम्बिनेशन करके एक नया डिज़ाइन बना गया है। नीचे वाला पार्ट महतोड़ काली मंदिर से लिया गया है और ऊपर वाला जो गुंबज है आप देख रहे हैं इसमें, वो तारापीठ से लिया गया है। दो डिज़ाइन को कंबाइन करके एक नया डिज़ाइन बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए एक बार ज़रूर आइएगा आप लोग सब। ये धनबाद ज़िले में एक छोटे से गांव गुलुडी में स्थित है ये मंदिर। आप आइएगा यहाँ तो मन प्रसन्न हो जाते हैं, एक बार अवश्य आइएगा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कितना भीड़ इकट्ठा हुए थे कलश यात्रा के दिन। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ और कुछ पिक्स में मनोज दे के साथ भी लिए हैं, वो भी इस पूजा में शामिल हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ वो कुछ तस्वीरें जो मैंने मनोज दे के साथ लिए थे। देखिए वो भी बहुत प्रसन्न हुए यहाँ आके, वो इस पूजा में शामिल हुए थे, बहुत ही आनंद। ये देखिए ये मंदिर के बाहर जो बाउंड्री है उनमें किस तरह से तस्वीरें बनाए गए हैं, कितना सुंदर ये नज़ारा है
इससे बहुत ही अच्छा मैसेज एक जाता है। देखिए ये स्वामी विवेकानंद है, ये वामदेव है, ये देखिए किस प्रकार से ये सारे दृश्य बहुत ही खूबसूरत। देखिए जवा का फूल में माँ काली किस प्रकार से विराजमान है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर मैसेज देने की कोशिश किया गया है, चारों ओर बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ आइएगा अवश्य तो मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए ये माँ काली की मूर्ति अभी बन रहा है, काली पूजा के दिन माँ अंदर विराजमान हो जाएंगी मंदिर में। हम चारों ओर आपको दिखा रहे हैं मंदिर का, बने रहिए वीडियो में। देखिए इधर से कितना भव्य दृश्य है और बहुत ही खूबसूरत। चलिए मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बना है, कितना भव्य तस्वीरें हैं, आपको सारा चीज़ें दिखाता हूँ। देख रहे हैं किस प्रकार से डिज़ाइनिंग किया गया है। देखिए कलश उठाया गया था यहाँ पे प्रतिष्ठा समारोह के दिन। ये देखिए माँ काली, अभी माँ काली यहाँ पे विराजमान नहीं है, उनकी मूर्ति बन रही है यहाँ पे। तो काली पूजा के दिन यहाँ पे माँ विराजमान हो जाएंगी, 14 तारीख को काली पूजा है। देखिए किस प्रकार से कितना भव्य ये तस्वीरें हैं और कितनी सुंदर ये नज़ारा है। चारों ओर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मंदिर के, ये अंदर का दृश्य है मंदिर के। देखिए मैं इस तरह का ब्लॉग्स इस चैनल में डालते रहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह का ब्लॉग्स मैं डालते रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।